हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स चैन फार्मेसी। तो कैसे हो आप सब? तो गाइस, आज हम एक और क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आपका सिक्स्थ सेमेस्टर बी फार्मेसी के बायोसेंसर्स, हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इस क्वेश्चन को, बायोसेंसर। अभी बायोसेंसर का क्वेश्चन किधर भी बन के आ जाए आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर, आपको यही लिखना है जो मैं आपको बताता हूँ। बायोसेंसर गाइस, दीज मतलब बायोसेंसर्स आर द डिवाइसेस विच यूजेस अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, स्पेशली एंजाइम्स और एंटीबायोटिक्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द केमिकल्स। बहुत ही सिंपल है, बायो मतलब लाइफ है, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एंजाइम हो या एंटीबायोटिक हो, इनका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे गाइस, इनका इस्तेमाल करके हम डिटेक्ट करेंगे प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, मतलब किस केमिकल का प्रेजेंस है, तभी तो जाके हम रिजल्ट दे सकेंगे ना। इतना ही याद रखिए, दीज आर द लिविंग मतलब दीज आर द डिवाइसेस विच यूजेस द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक एंजाइम्स और एंटीबायोटिक्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स। बहुत सारे टेस्ट आपने मार्केट में देखा है, ओके, HIV टेस्ट और वाइडल टेस्ट, वाइडल नहीं, HIV टेस्ट हो या प्रेगनेंसी टेस्ट हो, ये सभी बायोसेंसर पर ही निर्भर है। ठीक, बायोसेंसर्स आर एनालिटिकल डिवाइसेस, ये हमारे एनालिटिकल डिवाइस है, दैट कन्वर्ट्स अ बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बायोलॉजिकल सिग्नल जो है ना, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज मेजरेबल। वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम डिस्प्ले पर देख के मेजर कर सकेंगे। ओके, बहुत सिंपल है, मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए, बीपी मॉनिटर पता है ना आपको, बीपी या ब्लड शुगर ग्लूकोज मॉनिटर, ओके, जिसे हम शुगर मशीन कहते हैं, उस ग्लूकोज मॉनिटर जब हम डिस्प्ले पर देखते हैं तो हमारा शुगर मेंशन करने लगता है ना, जरा हमारा कितना है शुगर, फॉर एग्जांपल हमें जो है ना 150 है, 180 है, 200 है। हाँ, मतलब जब हम बायोलॉजिकल डालेंगे, बायोलॉजिकल सिग्नल्स देंगे, जब हम ब्लड डालेंगे, ओके, वो ब्लड विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसड्यूजर ट्रांसफर होके इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, यही है हमारा बायोसेंसर। और ये बायोलॉजिकल एलिमेंट एग्जाम्पल सेल, टिश्यू, हार्मोन, एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल है फॉर डिटेक्टिंग द एनालाइट। यही हमारे सेल, यही टिश्यूज जो है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे एनालाइट को डिटेक्ट करने के लिए। एनालाइट मतलब सैंपल, मतलब ड्रग हो, ग्लूकोज हो, यूरिया हो, पेस्टिसाइड हो, किसी भी प्रकार का एनालाइट, वो डिटेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, दैट इज बायोलॉजिकल एलिमेंट। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये रैपिड है एंड कंटिन्यूस मेजरमेंट कर सकते हैं, हाई स्पेसिफिसिटी, वेरी लेस यूसेज ऑफ रिएजेंट्स, फास्ट रेस्पॉन्स टाइम, इनका रेस्पॉन्स टाइम बहुत ही फास्ट रहता है, मतलब रिजल्ट जो है ना एकदम धटबट दिखा देते हैं, और एबिलिटी टू मेजर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड बाय अदर कन्वेंशनल मेथड्स। मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी को भी मेजर करते हैं, जो कि दूसरे कन्वेंशनल मेथड से ये पॉसिबल नहीं है मेजर करना, ओके, क्योंकि सम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दे आर वेरी हेक्टिक, जैसे हमारा मीथेन ले लीजिए या ऑयल फैट्स ले लीजिए, हमारे बॉडी के अंदर कितने सारे फैट्स हैं, कितने सारे लिपिड्स हैं, वो हम दूसरे कन्वेंशनल मेथड से उनका डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो हम इसी बायोसेंसर्स के जरिए से उनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बायोसेंसर्स, मेनली एंजाइम बेस्ड बायोसेंसर जिसे हम एम्पीरोमेट्रिक बायोसेंसर्स कहते हैं, टिश्यू बेस्ड इम्यूनो सेंसर्स, और जो है ना DNA बायोसेंसर्स, ये हमारा टाइप्स ऑफ बायोसेंसर्स है। प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट्स ऑफ द बायोसेंसर, देखिए ये हमारा डिवाइस है बायोसेंसर, टोटली जो है ना इसको बायोसेंसर कहते हैं। ठीक, उससे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल। गाइस, बायोसेंसर्स आर ऑपरेटेड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, मैंने आपको बताया था। बट ट्रांसडक्शन मतलब, देखिए मेन इंपॉर्टेंटली जो है ना गाइस, ये है हमारा बायोलॉजिकल सिग्नल। ठीक, ये बायोलॉजिकल सिग्नल जब कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा, यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और डिस्प्ले होके ये हमारा क्या है, हमारा शुगर लेवल कितना है या बीपी लेवल कितना है या जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो कितना है, यही पर दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल 180 mmHg हो, कुछ भी हो, यहाँ ये डिस्प्ले पर दिखाया जाएगा, मतलब सारा कुछ हो रहा है ये सिग्नल ट्रांसडक्शन के बदौलत, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर। दीज कंपोनेंट्स इंक्लूड अ बायो रिकॉग्नाइज्ड एलिमेंट, अ बायो ट्रांसड्यूजर,
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कंपोज्ड ऑफ द डिस्प्ले प्रोसेसर एंड एम्पलीफायर। मतलब ये देखिए, ये हमारा एक टोटली सिस्टम है जो बायोलॉजिकल मटेरियल रहता है, और जो है ना हमारा ट्रांसड्यूसर रहते हैं, एम्पलीफायर रहते हैं, ठीक। और जो है ना बायो रिकॉग्नाइशन साइट, ये है हमारा बायो रिकॉग्नाइशन साइट, ठीक है, ये है हमारा बायो रिकॉग्नाइशन साइट, ठीक। द बायो रिकॉग्नाइशन एलिमेंट एस्पेशली अ बायो रिसेप्टर इज अलाउड टू इंट्रैक्ट विद द स्पेसिफिक एनालाइट। ये जो दिख रहा है ना, ये है हमारा बायो रिसेप्टर, ये क्या करेगा, एनालाइट को इंट्रैक्ट करेगा, मतलब एनालाइट को जोड़ लेगा अपने आप में, जोड़कर रिजल्ट दिखाएगा। द ट्रांसड्यूसर जो है ना, वो ट्रांसड्यूसर मेजर करेगा दिस इंट्रैक्शन एंड आउटपुट सिग्नल। यही इंट्रैक्शन को, मतलब बायो रिकॉग्नाइशन एलिमेंट, मतलब जब बायो रिसेप्टर, इसको हम क्या कहते हैं, बायो रिसेप्टर कहते हैं, जब ये बायो रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे एनालाइट को, जब इनका दोनों का, मतलब जब रिसेप्टर एनालाइट को रिसीव करेंगे, ओके, ये बॉन्ड कर लेंगे क्या एनालाइट रिसेप्टर से, हाँ, ये जो है ना ट्रांसड्यूसर्स की मदद से हमें दिखाया जाएगा रिजल्ट। इतना ही, ये सिग्नल जो है ना, ये दैट इज एम्पलीफाइड एंड प्रोसेस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक। ये देखिए, ये एनालाइट मॉलिक्यूल है, जब एनालाइट मॉलिक्यूल ये हमारा बायो रिसेप्टर पर अटैक कर देगा, ठीक, बायो रिसेप्टर के, वो बायो रिसेप्टर हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बदौलत ट्रांसड्यूसर पर अटैक होगा। ट्रांसड्यूसर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स या बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कन्वर्ट करके क्या करेंगे, वो कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, बायोलॉजिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एम्पलीफाई होकर डिस्प्ले हो जाएंगे स्क्रीन पर। तो वर्किंग, इतना आपको वर्किंग लिखना है, बस इतना ही लिखना है। तो ये हमारा सारे को जो है ना, ये क्या है, ये थ्योरी है। द एनालाइट बाइंड्स टू द बायोलॉजिकल कंपोनेंट टू फॉर्म द बॉन्ड एनालाइट विच इन टर्न प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्सेस दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है, वही सारा कुछ है ना। द एनालाइट इज कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट विच मे बी एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन हीट। मतलब जब एनालाइट कन्वर्ट होगा टू अ प्रोडक्ट, ये जो है ना, मतलब ये जब एनालाइट कन्वर्ट होगा तो इससे जो है ना यहाँ पर क्या रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा और इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये सारा कुछ रिलीज होंगे। वो क्या करेंगे, वो पास करेंगे अनदर मेम्ब्रेन पर, मतलब ट्रांसड्यूसर को, ठीक। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इस हीट को, इन ऑक्सीजन को लेके, मतलब ये हमारे बायोलॉजिकल सिग्नल्स है, इन बायोलॉजिकल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। मतलब यहाँ ट्रांसड्यूसर प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ठीक। ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स प्रोडक्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच इज एम्पलीफाइड, दिस एम्पलीफायर सेंड द सिग्नल टू द डिजिटल डिस्प्ले, ठीक। एप्लीकेशंस की बात करें, इट इज यूज इन द ग्लूकोज मॉनिटरिंग। आपको ग्लूकोज मशीन्स तो पता ही होगा, हर घर में है ये ग्लूकोज मॉनिटर, ठीक, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। देन डिटेक्शन ऑफ द पेस्टिसाइड्स के अंदर, डिटेक्शन ऑफ द रिवर वाटर कंटेमिनेंट्स, देन डिटेक्शन ऑफ द पैथोजेंस, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस कहते हैं, उन पैथोजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। देन डिटरमाइनिंग लेवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, डिटेक्शन ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट, मेडिकल डायग्नोसिस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, ये सब पर जो है ना इस्तेमाल होता है ये हमारा बायो सेंसर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मौजूदा दौर, अब जो चल रहा है ना पीरियड हमारा, यहाँ बायो सेंसर्स का यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है। आप हर डॉक्टर किसी भी प्रकार, आप लेबोरेटरी पर चले जाइए, टेस्टिंग लेबोरेटरी पर चले जाइए, उन टेस्टिंग लेबोरेटरी में बायो सेंसर्स के बगैर कुछ भी काम नहीं होता, ओके। अब देखिए, आप जाके अगर शुगर टेस्ट को अगर देखे आएंगे तो 1.5 आवर में, या मतलब 20 मिनट्स में, या हाफ एन आवर में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस बायो सेंसर्स, ठीक। पहले आपको घंटे लग जाते थे, दिनों लग जाते थे रिजल्ट्स के लिए, अभी वैसा नहीं है, बस फौरन जो है ना आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा बायो सेंसर्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर सब्सक्राइब तो करना ही करना है भाई, लाइक तो ज़रूर करना है, डाउट हो तो ज़रूर कमेंट के अंदर पूछिएगा, ठीक। नोट्स डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।